नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां 13 वर्षीय युवती के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला। गैंगरेप की घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है। किशोरी दिन में ही खेत पर श्रोच करने के लिए गई थी, जहां गांव के ही 4 दबंग युवकों ने युवती के साथ घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला। वही उसका फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दबंग युवकों ने युवती से घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी व फोटो वायरल करने की धमकी दे डाली। पीड़ित लड़की ने भयभीत होकर अपने परिवार को इस घटना के बारे में नहीं बताया। जब युवती की तबीयत खराब होने लगी, तब युवती ने अपने ऊपर हुआ अत्याचार के बारे में परिजनों को बताया। पीड़ित परिवार ने खानपुर कोतवाली में जाकर 4 युवकों पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। वहीं पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा कर दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त संजू, पंकज, सचिन व मोहित। बाइट अलका सिंह, सीओ सियाना बुलंदशहर। जी मैम, खानपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया, क्या मामला, अब तक की क्या अपडेट है इसमें? खानपुर क्षेत्र में एक प्रार्थिया है, उनके द्वारा एक बताया गया कि उनकी बेटी शाम को शौच के लिए गई हुई थी, तो 4 गांव के 4 युवकों द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। उच्च धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है और 4 युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई। मामला कब का बताया जा रहा है? मामला पुराना है, जुलाई की 14 तारीख के मामला बताया, 4 जुलाई का। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? गैंगरेप का मुकदमा।